बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अदनाना नईम मुगल और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आज फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सामने मैं हाजिर हूँ। आज की इस वीडियो के अंदर आप लोगों के लिए मैं इतना आसान काम लेके आया हूँ, बिल्कुल बच्चों वाला काम है। और मजे की बात यह है कि इस काम के लिए ना किसी किस्म की कोई उम्र की जरूरत है, ना किसी किस्म का कोई तजर्बे की जरूरत है, और ना ही किसी किस्म की कोई तलीम की जरूरत है। अगर आप एक हाउसवाइफ हैं तो आप भी कर सकती हैं, और अगर आप एक पार्ट टाइम काम जो है ना वो ढूंढ रहे हैं तो आपके लिए भी ये काम है, और अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आप भी ये काम जो है ना आसानी के साथ जो है ना ये कर सकते हैं। और मजे की बात और एक ये है कि आपने YouTube से ही जो है ना वीडियो को डाउनलोड करना है, और वहीं पर जो है ना आपने अपलोड करके, और इस तरीके से आप लाखों डॉलर YouTube से जो है ना वो आसानी के साथ जो है ना वो कमा सकते हैं। आपको मैं कुछ ऐसे चैनल भी दिखाता हूं कि जिन चैनल्स पर आप मिलियन के अंदर व्यूज देखेंगे, और इसी काम के लिए और इसी काम के अंदर आपको जो है ना उन पर जो है ना डॉलरों के अंदर जो है ना इनकम भी आपको मैं दिखाता हूं कि कितने डॉलरों के अंदर जो है ना आपको जो है ना वो इनकम जो है ना वो कमा रहे हैं आपने। तो बड़े मजे का काम है। पहले मैं जो है ना आपको कुछ चैनल बता देता हूं और उनको दिखाता हूं कि कैसे जो है ना वो अपने जो है ना व्यूज उन्होंने बढ़ाए, और कैसे जो है ना उनको जो है ना पैसे आ रहे हैं, और उसके बाद जो है ना मैं आपको काम करने का जो तरीका है वो भी बता देता हूं कि आपने अपने लिए ये काम कैसे करना है। सिर्फ 5 मिनट के अंदर जो है ना आप ये काम सीख सकते हैं। तो यकीनन लाजमन जो है ना आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि आपको इस सारी वीडियोस देखने के बाद इंशाल्लाह आप इस काबुल हो जाएंगे कि आप घर बैठ के अपने लिए एक अच्छा रोजगार जो है ना वो बना सकेंगे। तो पहले मैं आपको जो है ना कुछ वीडियोस दिखाता हूं, तो आइए मेरे साथ फिर। जी दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने जो है ना एक चैनल को ओपन किया है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उर्दू नगरी के नाम से जो है ना ये एक चैनल है यूट्यूब के ऊपर। और इस चैनल के अगर आप व्यूज को चेक करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लाखों के अंदर नहीं बल्कि मिलियन के अंदर जो है ना इस चैनल पर जो है ना व्यूज आ रहे हैं। और बड़ी मजे की बात यह है कि ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी कंट्रीज के अंदर जो है ना ये चैनल जो है ना रैंक हो चुका है। और अगर आप इसकी मंथली इनकम की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि $186 से लेकर $3,000 तक आप यहाँ इस चैनल से जो है ना ये लोग जो है ना अर्निंग कर रहे हैं। और यहाँ पर आप ये भी चेक कर सकते हैं कि अगर आप 3,000 को छोड़ दें, आप सिर्फ 2,000 को जो है ना अपने जो है ना पाकिस्तानी पैसों के साथ जो है ना वो कन्वर्ट करें, तो इस वक्त जो है ना 274 का जो है ना डॉलर है, तो आप यहां पर दे सकते हैं कि 5.5 लाख रुपया जो है ना ये मंथली जो है ना ये कमा रहे हैं इस काम से। इसी तरह मैं एक और चैनल को ओपन करता हूं, इस चैनल का नाम है काशफ वाइस। तो काशफ वाइस पर आप देख सकते हैं कि यहां पर भी जो है ना इनकी व्यूज की बात की जाए तो मिलियन के अंदर इनके व्यूज हैं। और इसके बाद अगर यहां पर इनके डॉलर की बात की जाए तो यहां पर आप देख सकते हैं कि $50 से लेकर $808 तक जो है ना ये कमा रहे हैं। तो आप जो है ना $808 को छोड़ दें तो आप सिर्फ $500 को जो है ना वो कन्वर्ट कर लें, तो ये भी कम से कम जो है ना समझ लें 1 लाख से ऊपर जो है ना 1.5 लाख के राउंड बोन जो है ना ये पैसे बन रहे हैं। तो इसी तरह जो है ना मैं एक और चैनल आपको दिखाता हूं, ये चैनल है SK स्टोरी पॉइंट के नाम से। तो यहां पर अगर इस चैनल के व्यूज की बात की जाए तो यहां पर ये देख सकते हैं कि बाकी दोनों चैनलों से ज्यादा इसके जो है ना वो व्यूज आपके सामने शो हो रहे हैं। और यहां पर इसकी इनकम की बात की जाए तो इसकी इनकम जो है ना थोड़ी सी कम है, क्योंकि ये एक इनकम होती है आपकी लोकेशन के बेस पर, जिस लोकेशन पर आपकी वीडियोस जो है ना वो चल रही होती है उसी लोकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ना आपको इनकम आ रही होती है। तो बहरहाल यहां पर भी आप देख सकते हैं कि $14 से लेकर $230 तक जो है ना ये साहब जो है ना वो पैसे कमा रहे हैं। और यहां पर अगर आप खाली $200 को ही जो है ना वो मल्टीप्लाई कर ले, $200 को जो है ना मैं 274 के साथ मल्टीप्लाई करता हूं, तो फिर भी आपके पास 55,000 रुपया जो है ना मंथली आप जो है ना आसानी के साथ यहां से जो है ना वो कमा सकते हैं।
और अगर आपको जो है ना मैं ये चैनल जो है ना वो विजिट करवाऊं तो यहाँ पर ये देख सकते हैं कि एसके स्टोरी पॉइंट के नाम से जो चैनल है, तो यहाँ पर इनके व्यूज की बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1.2 मिलियन, इसके बाद 925K, इसके बाद 875K, और यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इतने सारे व्यूज जो है ना इस चैनल पर आ रहे हैं। इसी तरह अगर उर्दू नगरी की बात की जाए तो उर्दू नगरी के अंदर भी जो है ना आप देख सकते हैं 7.7 मिलियन व्यूज आ रहे हैं, इसके बाद जो है ना 6.9 मिलियन है, इसके बाद 3.1 मिलियन है, और इसके बाद 2.6 मिलियन व्यूज हैं। और इसी तरह अगर जो है ना बात की जाए काशफ वाइस के चैनल की, तो यहां पर भी आप देख सकते हैं कि 1.3 मिलियन इसके व्यूज हैं, इसके बाद 1 मिलियन व्यूज हैं, इसके बाद 855K जो है ना इसके व्यूज हैं। यानी कि यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस तरह के अगर आप स्टोरी वाइज चैनल बनाते हैं, स्टोरी लाइन के जो चैनल बनाते हैं, तो वहां से भी जो है ना आप अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। और मजे की बात है कि इन चैनल्स के लिए किसी किस्म की जो है ना कोई एडिटिंग वगैरह लटर पटर ये वो कुछ करने की जरूरत नहीं है। जस्ट 5 मिनट इस तरीके को आप सीख ले, जो तरीका अभी मैं आपको बताने वाला हूं, तो यकीनन आप जो है ना घर बैठ के आसानी के साथ जो है ना 50,000 से लेकर 1 लाख रुपया आसानी के साथ जो है ना इधर से कमा सकते हैं। तो अब ये देख लें कि अब मैंने जो है ना ये समझ लें कि एक वीडियो मैंने यहां पर ओपन की है, ये काशफ वाइस के चैनल से मैंने ये वीडियो ओपन की है। इस वीडियो को जो है ना आपने क्या करना है, आपने कोई भी वीडियो यहां से जो है ना वो ले सकते हैं। ये इतनी वीडियोस आपको नजर आ रही हैं, कोई जो जो वीडियो पर आपका दिल चाहे वो वीडियो को जो है ना आप ले सकते हैं। उस वीडियो को आपने इस तरह ओपन कर लेना है और इसके बाद जो है ना इस वीडियो के लिंक को हम कॉपी कर लेते हैं और यहां पर आ जाते हैं हम गूगल के अंदर। और यहां पर आकर जो है ना आप जो है ना बहुत सारे तरीके हैं यूट्यूब से वीडियो डाउनलोड करने के। यहां पर जो है ना आप वाई टू मेट से जो है ना वीडियो भी डाउनलोड कर सकते हैं। वाई टू मेट को मैंने ओपन किया और यहां पर जो है ना आपने वो लिंक को यहां पर कॉपी कर देना, पेस्ट कर देना है। और इसके बाद जो है ना यहां पर आपने डाउनलोड बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप डाउनलोड के बटन पर क्लिक करेंगे, यहां पर क्लिक करेंगे, तो आपके पास जो है ना ये देख सकते हैं कि वीडियो आपकी जो है ना यहां पर आपके सामने डाउनलोड हो रही है, बल्कि डाउनलोड हो चुकी है। तो इस तरीके से जो है ना आपने YouTube से वीडियो डाउनलोड कर लेनी है। और इसके बाद जो है ना नेक्स्ट काम आपने ये करना है कि आपने आ जाना है Pinterest पर। ये सारा काम जो है ना आप मोबाइल के स्क्रीन पर भी जो है ना वो कर सकते हैं। आप VidMate है एक जो है ना वो एप्लीकेशन एंड्रॉइड, उससे भी जो है ना YouTube से वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं। और यहां पर जो है ना आकर आपने लिख देना है इस्लामिक बैकग्राउंड, इस्लामिक बैकग्राउंड इमेजेस लिखेंगे तो यहां पर जो है ना आपके सामने जो है ना बहुत सारे जो है ना वो बैकग्राउंड आ जाएंगे। तो आप यहां से कोई भी बैकग्राउंड जो है ना वो चूज कर सकते हैं। मैंने जो है ना वो कोई भी एक बैकग्राउंड जो है ना यहां से ले लेता हूं। और इसके बाद जो है ना मैं अब मोबाइल के स्क्रीन पर चलता हूं, क्योंकि मैं एडिटिंग जो है ना आपको मोबाइल के स्क्रीन पर करके दिखाऊंगा। जो एडिटिंग कंप्यूटर पर होती है वो सॉफ्टवेयर थोड़े से हैवी होते हैं, उनको सीखने में टाइम लगता है, तो इसलिए जो है ना मैं मोबाइल के स्क्रीन पर आसानी के साथ जो है ना आपको एडिटिंग करके दिखाता हूं कि कैसे जो है ना आप आसानी के साथ इन वीडियोस को बनाकर जो है ना अपने YouTube चैनल बनाकर और वहां पर अपलोड कर सकते हैं। तो चलिए मेरे साथ मोबाइल की स्क्रीन पर। जी दोस्तों, तो मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर आ चुका हूं और यहां पर आप देख सकते हैं कि मैंने जो है ना अपने काइनमास्टर के अंदर जो है ना ये सॉफ्टवेयर ओपन कर लिया है। बहुत सारे एडिटर हैं, वीडियो एडिटर, जहां पर जो है ना आप वीडियो की एडिटिंग कर सकती हैं। काइनमास्टर क्योंकि एक आसान सॉफ्टवेयर है, इसलिए जो है ना मैं काइनमास्टर पर आपको दिखाता हूँ कि आपने कैसे जो है ना अपना प्रोजेक्ट बनाना है। तो यहाँ पर आपने क्रिएट न्यू के बटन पर क्लिक कर लेना और 16:9 जो है ना 9 की रेशो आपने सेट कर लेनी है, और इसके बाद क्रिएट न्यू के बटन पर आपने क्लिक कर लेना है। और जो आपने जो है ना बैकग्राउंड वहाँ से जो है ना वो डाउनलोड किया होगा, वो बैकग्राउंड जो है ना आपने यहां पर ले आना है। मैंने ये जो है ना बैकग्राउंड अपना ले आया, और इस बैकग्राउंड को जो है ना आपने अपनी जितनी आपकी वीडियो की लेंथ है उस हिसाब से जो है ना आपने इसको जो है ना वो लंबा कर लेना है। तो मैं जो है ना समझ ले 20 सेकंड की जो है ना मैं वीडियो यहां पर बनाना चाहता हूं, तो यहां पर मैं इतना लंबा कर लेता हूं। और इसके बाद जो है ना यहां पर मेरे पास जो वीडियो जहां पर पड़ी हुई है वो वीडियो को मैं जो है ना यहां पर डाउनलोड कर लेता हूं, सॉरी यहां पर जो है ना इंपोर्ट कर लेता हूं। तो यहां पर जो है ना मेरी ये वीडियो जो है ना इंपोर्ट हो चुकी है।
अब यहाँ पर आपने क्या करना है कि यहाँ पर जो है ना आपने अपनी वीडियो की रेशो को जो है ना वहाँ पर सेट कर लेना है जिस हिसाब से आपकी स्क्रीन की रेशो है। तो यहाँ पर जो है ना समझ ले मैंने जो है ना ये वीडियो को जो है ना यहाँ पर सेट कर लिया है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफा सफर कर रहे थे कि तो यहाँ पर ये देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है ना नीचे से ऊपर की तरफ जो है ना टेक्स्ट जो है ना वो शो हो रहा है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा जो है ना वीडियो के अंदर इफेक्ट डालेंगे ताकि जो है ना हमारी वीडियो जो है ना एक डिफरेंट वीडियो लगे। तो वीडियो के ऊपर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो है ना आपके पास यहाँ पर ब्लाइंडिंग का एक ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पर जो है ना ये एक ब्लाइंडिंग का ऑप्शन है, इस पर आपने क्लिक करना है और यहाँ पर जो है ना आपके पास मुख्तलिफ तरह के जो है ना ये इफेक्ट हैं। ये इफेक्ट डाल सकते हैं, ये इफेक्ट डाल सकते हैं, ये देखिए ये यहाँ पर जो है ना वो वाइट हो गया है। अब ये समझ लें कि मैं जो है ना यही इफेक्ट जो है ना अपनी वीडियोस के ऊपर जो है ना वो डालना चाह रहा हूँ। तो ये इफेक्ट जो है ना मैंने जो है ना अपनी वीडियो के ऊपर जो है ना वो डाल लिया। इसके बाद जो है ना आपने वीडियो के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपके सामने मिक्सर का एक ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पर जो वीडियो की जो ऑडियो है इसको जो है ना हमने ख़त्म कर देना है। तो यहाँ पर जो है ना ये जीरो हमने वॉल्यूम इसका कर दिया और यहाँ पर जो वीडियो की ऑडियो थी वो हमारे पास जो है ना वो ख़त्म हो चुकी है। अब यहाँ पर जो है ना आपने क्या करना है कि ये जो टेक्स्ट आपके सामने जो है ना ये शो हो रहा है, इस टेक्स्ट को जो है ना आप जो है ना क्या कर सकते हैं कि आप खुद इसकी भी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। जिस तरह के ये देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके सामने ये एक रिकॉर्डिंग का ऑप्शन जो है ना यहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ पर जो है ना मैं आपको दिखा देता हूँ, ये एक रिकॉर्डिंग का ऑप्शन जो है ना आपके पास आ रहा है। यहाँ से जो है ना आप डायरेक्ट भी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं तो आप अलग से जो है ना प्ले स्टोर से बहुत सारे ऑडियो रिकॉर्डर हैं वहाँ से जो है ना कोई भी ऐप को जो है ना अपने मोबाइल के अंदर इंस्टॉल करके जो टेक्स्ट यहाँ पर वीडियो के ऊपर लिखा हुआ है सेम यही टेक्स्ट जो है ना आपने वहाँ पर जो है ना बोलना है और बोल के वहाँ से जो है ना आपने अपनी रिकॉर्डिंग कर लेनी है। इस तरह आपकी वॉइस ओवर हो जाएगी और उस ऑडियो को जो है ना आप यहाँ से जो है ना वो इम्पोर्ट कर सकते हैं। तो ये काम आपने करना है और इसके बाद जो है ना आपने एक अदर जो है ना यहाँ पर साथ एक म्यूज़िक लगा लेना है हल्का सा। इस्लामिक म्यूज़िक जो है ना आपको कहाँ से मिलेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर जो है ना मेरे पास जो है ना एक म्यूज़िक पड़ा हुआ है इस्लामिक, वो जो है ना मैं यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं कि मैंने जो है ना साथ हल्का सा जो है ना इस्लामिक म्यूज़िक साथ जो है ना ऐड कर दिया है। अब इस्लामिक म्यूज़िक की जो वाद है उसको जो है ना आपने यहाँ से कम कर लेना है ताकि जो है ना आपकी जो ऑडियो आपने रिकॉर्डिंग की है उसके अंदर जो है ना किसी किस्म की कोई मसला ना हो। तो यहाँ पर जो है ना आपने बिल्कुल हल्की सी आवाज़ कर लेनी है। अब यहाँ पर मज़ीद आप इसके अंदर जो है ना वो इफेक्ट लगा सकते हैं। तो ये इस तरह के जो है ना आपने फ्लावर जो है ना आपको पिंटरेस्ट में मिल जाएंगे और यहाँ पर जो है ना आपको गूगल से भी ये फ्लावर मिल जाएंगे। ये PNG फ्लावर हैं, आप इनको जो है ना वो बड़ा छोटा कर सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि जो है ना वीडियो के रेशो के मुताबिक जो है ना ये इसकी एडजस्टमेंट हो जाए। तो मैं इसको जो है ना इतना कर लेता हूँ और इसको जो है ना इसकी जो लेंथ है उसको भी जो है ना मैं वीडियो की लेंथ के बराबर जो है ना इसकी लेंथ कर लेता हूँ। इसको जो है ना आपने ड्रैग करके कर लेना है। अब इसकी जो है ना थोड़ी सी एडजस्टमेंट करनी है। अब ये देखें कि ये जो टेक्स्ट है हमारा वो टेक्स्ट हमारा नीचे आ रहा है और जो हमारा ये फ्लावर है ये ऊपर है। तो इसको जो है ना यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो है ना सेंड टू बैकवर्ड के बटन पर क्लिक करेंगे। अब ये देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है ना आपके सामने ये जो आपका फ्लावर है वो टेक्स्ट आपका ऊपर आ गया, फ्लावर आपका नीचे चला गया। अब मज़ीद इसकी जो है ना हमने एडजस्टमेंट करनी है। हम फिर वहीं पर ब्लेंडिंग बार आ जाएंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई पर क्लिक करेंगे, डार्क पर क्लिक करेंगे या और भी इस पर यहाँ पर बहुत सारे इफेक्ट हैं वो इफेक्ट जो है ना आप यहाँ पर जो है ना वो डाल सकते हैं। तो मैं जो है ना यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं जो है ना ये इफेक्ट यहाँ पर एवरेज जो है ना वो डाल लेता हूँ। अब ये देखेंगे यहाँ पर जो है ना मैं इसको प्ले करता हूँ तो अब यहाँ पर जो हमारा टेक्स्ट है जो हमें शो करना चाहिए वो टेक्स्ट हमारा बिल्कुल वाजिया जो है ना आप देख सकते हैं कि हमारा टेक्स्ट जो है ना वाजिया तौर पर नज़र आ रहा है और इसका जो वीडियो का बैकग्राउंड था वो भी हमने रिमूव कर दिया है और यहाँ पर जो हमारे पास बैकग्राउंड था वो बैकग्राउंड जो है ना हमने यहाँ पर ऐड कर दिया और आप खुद देख सकते हैं कि कितनी मजे की जो है ना हमारी ये वीडियो जो है ना वो बन चुकी है। तो आप इस तरीके के साथ जो है ना अपनी जो है ना वो वीडियो बना सकते हैं और वीडियो बना के जो है ना आप यही वीडियो YouTube पर अपलोड कर सकते हैं और भी जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चाहे अपलोड कर सकते हैं और घर बैठ के आप आसानी के साथ जो है ना वो पैसे कमा सकते हैं। और यहां से आप खुद अंदाजा लगाएं कि आपका कितना टाइम मेरा लगा है इस वीडियो की एडिटिंग करने में। ज्यादा से ज्यादा
ज़्यादा मेरे 5 से 7 मिनट लगे हैं। अगर आप 5 से 7 मिनट में यह तरीका सीख लेते हैं तो यकीनन आप आसानी के साथ जो है ना किसी भी वीडियो की एडिटिंग करके अपने लिए एक अच्छा रोज़गार जो है ना वो बना सकते हैं। अब यहाँ पर जो है ना मैं आपको ये चीज़ बता देता हूँ कि आपने जो है ना अपने लिए जो लेना है म्यूज़िक वो आपने कहाँ से लेना है, तो यहाँ पर जो है ना गूगल के ऊपर आ जाते हैं। गूगल के ऊपर आकर जो है ना आपने यहाँ पर लिखना है इस्लामिक बैकग्राउंड म्यूज़िक नो कॉपीराइट। तो यहाँ पर आपके सामने पहली ही वेबसाइट ओपन हो जाएगी। इस वेबसाइट को आपने ओपन करना है और यहाँ पर आपके सामने जो है ना आप देख सकते हैं कि बहुत सारे म्यूज़िक जो है ना यहाँ पर इस्लामिक पड़े हुए हैं। तो ये इस्लामिक म्यूज़िक जो है ना आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉपीराइट म्यूज़िक है और किसी किस्म का कोई कॉपीराइट का इशू नहीं है। और आप जो है ना यहाँ ये म्यूज़िक जो है ना अपनी वीडियो के बैकग्राउंड पर साथ ऐड कर सकते हैं ताकि आपकी वीडियो की जो ऑडियो की एक लुक है वो एक अच्छी लुक जो है ना आपकी नज़र आए, आपको अच्छा जो है ना वो सुनने में महसूस हो। उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो के अंदर जो मैंने आपको डिटेल दी है यूट्यूब से डाउनलोड करके यूट्यूब पर ही अपलोड करने की उसकी आपको समझ लग गई होगी। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।